हिमाचल के जिला ऊना के शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मा आहुति मंदिर वो स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने 100 पौत्रों के उद्धार के लिए आहुतियां डाली थी। कहते हैं यह ब्रह्म कुंड में स्नान करने वो सच्चे दिल से भगवान ब्रह्मा से मन्नत मांगो तो जरूर पूरी होती है। विशेषकर बैसाखी के दिन स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन ब्रह्मा जी की विशेष कृपा होती है। हिमाचल के जिला ऊना की शिवालिक खूबसूरत की पहाड़ियों के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म आतुर मंदिर वो स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने 100 पौत्रों के उद्धार के लिए आहुतियां डाली थी। कहते हैं यहां ब्रह्म कुंड में स्नान करके सच्चे दिल से भगवान ब्रह्मा से मनौतियां मांगने पर मन्नत पूरी होती है। विशेषकर बैसाखी के दिन जहां स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन ब्रह्मा जी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने अपने पौत्रों के उद्धार के लिए सभी देवी देवताओं के साथ आहुतियां डाली थी। मंदिर के साथ ही सतलुज नदी बहती है जो पुराने समय में ब्रह्म गंगा के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी नदी के मुहाने पर मंदिर के साथ एक कुंड है जिसे ब्रह्मा कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करके सच्चे मन से ब्रह्मा जी से जो भी मांगा जाता है वह अवश्य पूरा होता है। विशेष रूप से बैसाखी के दिन स्नान करना बेहद शुभ ही माना जाता है और इसी के चलते आज के दिन यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों ने शाही स्नान किया। यहाँ पे आए हुए लोगों ने बताया कि बैसाखी के दिन इस स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए बैसाखी के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर माथा टेक कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैसाखी का प्रोग्राम होता है और हम यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है जो श्रद्धा से मांगी जाती है। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं? 4-5 साल से आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। हम 4-5 साल से इधर आ रहे हैं, आके स्नान करते हैं तो सच्चे मन से जो भी मनोकामना मांगी जाती है उनकी पूरी होती है। तो जहाँ पर एक ब्रह्मा जी का मंत्र भी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर में माथा टेकने से जो भी मनोकामना लोग मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी की होती है। तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी हुई है? बस सब परिवार सुखी रहे, खुशहाल रहे, ऐसी मनोकामना ही है। यही हमारी मनोकामना है, ऐसे ही हम चाहते हैं, ऐसा ही हमारा मन चल रहा है। जी हर साल आते हैं चंडीगढ़ तो माथा टेकन। ये काफ़ी मशहूर मंदिर है ब्रह्मा जी का। इतने जो भी कोई अपनी मनोकामना मांगता है पूरी होंगी। हाँ बहुत वधिया लगता इतने आके हर साल आते असं इतने इंजॉय करते नहाते ही आके तो हाँ जी होंगी है ही पूरी है। आप जो भी मंगी इतने आके तो वो पूरी होंगी मनोकामना। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास शिवालिक की इन्हीं पहाड़ियों में गुजारा था और अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस स्थान पर स्वर्ग जाने के लिए रात्रि के समय 5 पौड़ियाँ बनानी शुरू की थी, मगर भौर के समय कोई बूढ़ी औरत चक्की चलाने के लिए जाग गई और पांडवों ने पहचाने जाने के डर से उन 5 पौड़ियों का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया। कहते हैं कि उसमें तक पांडव केवल 2.5 पौड़ियाँ ही बना सके थे। ऐसा माना जाता है ये 2.5 पौड़ियाँ आज भी ब्रह्मा गंगा नदी के ब्रह्मा कुंड में मौजूद हैं। जी मान्यता के मुताबिक अगर हम चलें जो हमारे पुरखों ने हमें जो बताया है, ये एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा आहुतियाँ डाली गई और इसको एक हरिद्वार, इसको हम आधा हरिद्वार क्योंकि यहाँ पे जो मान्यता के 2.5 जो सोने की पौड़ियाँ यहाँ पे हैं और पांडवों ने यहाँ पे पहले हरिद्वार बनाने की योजना बनाई थी, वो किसी कारणवश वो नहीं बन पाया। तो उसके बाद भी आज जो यहाँ पे लोगों की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि जैसे आज बैसाखी का पर्व है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग लाखों की संख्या में यहाँ पे स्नान करने आते हैं और ऐसी मान्यता भी है और ये देखा भी गया है कि इस दिन इस पर्व पे जो भी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और जो अपनी मनोकामना मांगते हैं तो उनकी जो मनोकामना उनको पूर्ण होती है उनकी। और वैसे भी ये एक जो स्थान है ब्रह्मा जी के, जो अगर हम मंदिर की बात करें तो हमारे इंडिया में पूरे भारतवर्ष में 2 मंदिर है ब्रह्मा जी के, एक तो पुष्कर जो है राजस्थान वहाँ पे है और दूसरा जो ये है ब्रह्मोती ऊना डिस्ट्रिक्ट में है।